प्रतिबंधित क्रमचय या रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। कभी कभी कर्मचयों की संख्या किसी विशेष प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ज्ञात करनी होती है। उदाहरणतः कुछ विशेष वस्तुओं को किन्हीं विशेष स्थानों पर रखकर क्रमचय ज्ञात करने होते हैं। ऐसी स्थिति में दिए हुए प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शेष स्थानों को शेष वस्तुओं से भरने के क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। इस प्रकार के प्राप्त क्रमचयों को प्रतिबंधित क्रमचय कहते हैं। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, जबकि कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए, और दूसरी स्थिति है कोई विशेष वस्तु कभी ना ली जाए। तो चलिए पहली स्थिति देखते हैं कि कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए। माना कि असमान वस्तुएं A1, A2, A3 अप टू AN है। हमें उन क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें वस्तु A1 प्रत्येक बार लिया जाए। माना कि वस्तु A1 प्रथम स्थान पर ली जाती है। अब शेष वस्तुएं N-1 हैं तथा उनमें से R-1 वस्तुएं चुनी जानी है, जो N-1 P R-1 प्रकार से चुनी जा सकती है, किंतु वस्तु A1 को R स्थानों पर लिया जा सकता है। अतः उन क्रमचयों की संख्या जिनमें वस्तु A1 सदैव आती है, ये होगी R × N-1 PR-1। अब दूसरी स्थिति, कोई विशेष वस्तु कभी ना ली जाए। माना कि वस्तु A1 कभी किसी भी क्रमचय में नहीं ली जाती है, अतः शेष वस्तुएं N-1 रही। इन N-1 वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या बराबर N-1 PR होगी। परंतु हम यह जानते हैं कि N वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेने पर बने क्रमचयों की संख्या NPR होती है। स्पष्ट है कि दोनों अवस्थाओं 1 और 2 में बने क्रमचयों का योग कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर होगा। अतः NPR = N-1 PR + R × N-1 PR-1। बिना सूत्र के प्रयोग के सिद्ध करना कि NPR = N × N-1 PR-1 होगा। तो माना कि हमारे पास N भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तथा इनमें से हमें R वस्तु लेनी है। तो N वस्तुओं में से R वस्तुएं NPR तरीकों से ली जा सकती है। पुनः N वस्तुओं में से हम एक वस्तु N प्रकार से ले सकते हैं। एक वस्तु को लेने के पश्चात N-1 वस्तुएं शेष बची, जिनमें से R-1 वस्तुएं N-1 PR-1 प्रकार से ली जा सकती है। अतः N वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेने की कुल विधियां होंगी N × N-1 PR-1। अतः NPR = N × N-1 PR-1। तो प्रश्न दिया गया है कि शब्द मशीन MACHINE के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि। तो इसमें पहला प्रश्न है, स्वर एक साथ ही रहे। तो पहले हमें जो दिए गए शब्द हैं MACHINE, इसमें स्वर को अलग करना है और व्यंजन को अलग करके पहले उनको गिनना पड़ेगा, फिर हम आगे प्रश्नों को सरल करेंगे। तो शब्द मशीन MACHINE में कुल 7 अक्षर हैं, जिसमें 3 अक्षर स्वर AIE और 4 अक्षर व्यंजन हैं MCH और N। स्वर को एक साथ रखने पर इन अक्षरों को एक माना जा सकता है। शेष 4 व्यंजन अक्षरों को मिलाकर कुल 5 अक्षर हुए, जिन्हें फैक्टोरियल 5 तरीके से क्रमबद्ध करके लिख सकते हैं, किंतु ए आई और ई को फैक्टोरियल 3 प्रकार से भी लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट प्रकार बराबर फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 3। सरल करने पर आपको मिलेगा 120 गुना 6 बराबर 720। इसमें प्रश्न का दूसरा भाग है,
कि स्वर एक साथ कभी ना रहे। तो यदि हम कुल क्रमचय में उस क्रमचय को घटा दें जब स्वर एक साथ रहेगा, तब हमें वह संख्याएं मिल जाएंगी जो हमें ज्ञात करनी है। तो इसे हम लिखेंगे, स्वर एक साथ कभी ना रहे बराबर कुल क्रमचय ऋण जब स्वर एक साथ रहने पर क्रमचय। कुल सात अक्षर है तो कुल क्रमचय मिलेगा सात का फैक्टोरियल। और पूर्व में हमने देखा कि जब स्वर एक साथ रहेंगे तब उसका जो क्रमचय बनेगा वो फैक्टोरियल पांच गुना फैक्टोरियल तीन। तो ये फैक्टोरियल सात ऋण फैक्टोरियल पांच गुना फैक्टोरियल तीन सरल करने पर आपको मिलेगा 5040 ऋण 720 बराबर 4320। प्रश्न का तीसरा भाग है कि स्वर केवल विषम स्थानों पर रहे। तो कुल सात स्थान है, विषम स्थान होगा पहला, तीसरा, पांचवा और सातवा, और सम स्थान जो है यह है दूसरा, चौथा और छठवा। तो इस प्रकार तीन स्वर ए आई ई को चार विषम स्थानों पर रखने के प्रकार बराबर 4p3 या फिर 4p3 सरल करने पर आपको मिलेगा फैक्टोरियल 4 बटे 4 ऋण 3 का फैक्टोरियल। बराबर फैक्टोरियल 4। तीन स्वरों को तीन स्थानों पर रखने के बाद शेष चार स्थानों पर चार व्यंजनों को रखने के जो प्रकार होगा यह 4 फैक्टोरियल होगा बराबर 24। इस प्रकार अभीष्ट क्रमचय बराबर 4p3 गुना फैक्टोरियल 4 सरल करने पर आपको मिलेगा 24 गुना 24 बराबर 576। प्रश्न का चौथा भाग, स्वर केवल सम स्थानों पर रहे। चूंकि सात स्थान है और सम स्थान है दूसरा, चौथा और छठवां, तो स्वर ए आई ई अर्थात तीन अक्षरों को सम स्थानों पर रखा जाए और शेष चार स्थानों पर व्यंजनों को रखा जाएगा। इस प्रकार अभीष्ट क्रमचय होगा फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3 बराबर 144। अगला प्रश्न है, शब्द स्कॉलर एस सी एच ओ एल ए आर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जबकि पहला प्रश्न है, पहला अक्षर एस तथा अंतिम आर हो। तो पहली बात यह कि स्कॉलर शब्द में कितने अक्षर हैं। तो स्कॉलर एस सी एच ओ एल ए आर में कुल सात अक्षर हैं। चूंकि प्रथम अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर रखा गया है, अतः शेष पांच स्थानों पर पांच अक्षरों को रखने से बना क्रमचय बराबर 5 का फैक्टोरियल सरल करने पर आपको मिल जाएगा 120। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि मध्य में अक्षर ओ हो। तो देखिए कुल सात अक्षर हैं और ओ जो है वो मध्य में है, तो ओ के लेफ्ट साइड पर तीन अक्षर और राइट साइड पर तीन अक्षर। तो इस प्रकार कुल 6 अक्षर हैं। अब चूंकि ओ को फिक्स कर दिया गया है तो 6 स्थानों पर 6 अक्षरों से बना क्रमचय बराबर 6 का फैक्टोरियल बराबर 720। प्रश्न तीसरा, ओ और ए एक साथ रखे जाए। तो जब भी अक्षरों को एक साथ रखा जाता है तो उन्हें हम एक अक्षर मान करके हल करते हैं। तो ओ और ए को एक साथ रखने पर दोनों को एक अक्षर माना जा सकता है। इस प्रकार कुल 6 अक्षर तथा ओ ए को साथ में दो फैक्टोरियल तरीके से रखा जा सकता है। तो इस प्रकार अभीष्ट क्रमचय फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2 सरल करने पर आपको मिलेगा 720 गुना 2 बराबर 1440। इसमें अगला प्रश्न है कि ओ और ए एक साथ ना रहे। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी हम हल कर चुके हैं जिसमें हम कुल क्रमचय में उन क्रमचय को घटा देते हैं जब अक्षर साथ में रहेंगे। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि अभीष्ट क्रमचय बराबर कुल क्रमचय ऋण क्रमचय जब ओ और ए एक साथ रहें बराबर फैक्टोरियल 7
चूंकि स्कॉलर शब्द में सात अक्षर हैं तो कुल क्रमचय फैक्टोरियल सात मिलेगा, और क्रमचय जब ओ ए एक साथ रहे, पूर्व में हम हल कर चुके हैं, ये फैक्टोरियल छह गुना फैक्टोरियल दो था। सरल करने पर आपको मिलेगा 5040 ऋण 1440, सरल करने पर आपको मिलेगा 3600। इस प्रश्न का अगला प्रश्न, एस सी एच एक साथ रखे जाएं, तो एस सी एच को यदि हम एक साथ रखेंगे तो इन्हें हमें एक अक्षर मानना होगा, उसके बाद चार और अक्षर है तो कुल पांच अक्षर हुए, लेकिन एस सी एच को भी पुनः फैक्टोरियल तीन तरीके से लिखा जा सकता है। इस प्रकार अभिष्ट क्रमचय बराबर फैक्टोरियल पांच गुना फैक्टोरियल तीन बराबर 120 गुना 6 बराबर 720। अगले प्रश्न में दिया गया है शब्द ग्वालियर GWALIOR के अक्षरों में से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं जबकि, पहला प्रश्न, स्वर विषम स्थानों पर रहे। तो ग्वालियर GWALIOR में तीन स्वर ए आई और ओ है तथा चार व्यंजन GWL तथा R है। ग्वालियर में कुल सात अक्षर हैं, तो इसमें जो विषम स्थान होगा यह होगा एक पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और सातवां स्थान। इस प्रकार तीन स्वर ए आई और ओ को चार स्थानों पर रखने के प्रकार बराबर 4P3 तथा शेष चार व्यंजनों को चार स्थानों पर रखने के प्रकार बराबर 4P4। अभीष्ट क्रमचय बराबर 4P3 गुना 4P4, सरल करने पर आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 ऋण 3 और गुना फैक्टोरियल 4 बटे 1, सरल करने पर आपको मिलेगा 24 गुना 24 बराबर 576। प्रश्न का दूसरा प्रश्न है कि L मध्य में हो, तो आप यह देख पा रहे हैं कि ग्वालियर में L के लेफ्ट साइड पर तीन अक्षर और राइट साइड पर तीन अक्षर है, तो इस प्रकार कुल छह स्थान है और छह अक्षर है, तो अभिष्ट जो क्रमचय होगा यह फैक्टोरियल 6 होगा, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 720। प्रश्न का तीसरा प्रश्न, L के बाईं ओर आने वाले अक्षर बाईं ओर तथा L के दाईं ओर आने वाले अक्षर दाईं ओर हो, तो L के दाईं ओर तीन अक्षर हैं और इसको दाईं ओर ही रखना है, तो इसको हम तीन फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार L के बाईं ओर तीन अक्षरों को बाईं ओर रखने के प्रकार यह भी तीन फैक्टोरियल होगा, तो अभिष्ट प्रकार निकालने के लिए दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 3 बराबर 6 गुना 6 बराबर 36। प्रश्न का चौथा प्रश्न, स्वरों व व्यंजनों के सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित हो, तो ग्वालियर में जी व्यंजन है, डब्लू ये भी व्यंजन है, ए स्वर है, एल व्यंजन है, आई स्वर है, ओ स्वर है और आर भी व्यंजन है, तो स्वर ए आई और ओ तीन अक्षर तीन स्थान पर है और व्यंजन जी डब्लू एल आर यह चार अक्षर चार स्थानों पर है, तो अभिष्ट क्रमचय जो हमें निकालना है वह यह है कि स्वर स्वर के स्थान पर ही मूवमेंट कर सकता है और व्यंजन व्यंजन के स्थान पर ही मूवमेंट कर सकता है, तो इस प्रकार अभिष्ट क्रमचय बराबर फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 बराबर 6 गुना 24 बराबर 144। उन वस्तुओं का क्रमचय जो सभी भिन्न भिन्न ना हो, माना कि n वस्तुएं n अक्षरों से प्रदर्शित की जाती है, इनमें से p वस्तुएं एक ही प्रकार की a a a है, q वस्तुएं b b b प्रकार की है और r वस्तुएं c c c इस प्रकार तीसरे प्रकार की है तथा शेष वस्तुएं D, E, F, G इत्यादि है जो भिन्न भिन्न है। माना कि क्रमचयों की अभिष्ट संख्या X है, प्रत्येक क्रमचय में दिए हुए सभी अक्षर सभी N अक्षर हैं, इन
एक्स कर्मचारियों में से एक कर्मचारी लीजिए। इसमें पी समान अक्षरों ए ए ए के स्थान पर असमान अक्षर ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए पी रखिए, जो कि शेष सभी अक्षरों से भिन्न हो। अब इस कर्मचारी में शेष अक्षरों में से किसी का भी स्थान न बदलकर इन नए पी अक्षरों ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए पी का परस्पर स्थान परिवर्तित कर दो। इस प्रकार पी फैक्टोरियल नए कर्मचय प्राप्त होंगे और यही क्रिया सभी एक्स कर्मचारियों पर की जाए तो हमें कुल एक्स पी फैक्टोरियल कर्मचय प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि एक्स पी फैक्टोरियल कर्मचारियों में से हम कोई एक कर्मचय लें, उसके क्यू समान अक्षरों बी 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 के स्थान पर असमान अक्षर बी वन बी टू अप टू बी क्यू रख दें, जो कि शेष सभी अक्षरों से भिन्न हो, तथा अब इन क्यू असमान अक्षरों के स्थान पर परस्पर परिवर्तित कर दें, तो पूर्व की भांति इस प्रकार प्राप्त क्रमचय क्यू फैक्टोरियल होंगे। यदि यही क्रिया सभी एक्सपी फैक्टोरियल क्रमचयों पर दोहराई जाए तो प्राप्त क्रमचयों की कुल संख्या एक्सपी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल होगी। इसी प्रकार यदि एक्सपी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल क्रमचयों में से एक क्रमचय को लेकर उसके सभी आर समान अक्षरों सी 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 को असमान अक्षरों सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी आर से बदल दिया जाए तो इनसे आर फैक्टोरियल क्रमचय प्राप्त होंगे, तथा सभी एक्स पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल क्रमचयों पर इस क्रिया को दोहराने से कुल प्राप्त क्रमचयों की संख्या एक्स पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल होगी। परंतु अब कुल अक्षरों की संख्या एन है जो सभी असमान है, अतः कुल क्रमचयों की संख्या एन फैक्टोरियल है। अतः एक्स इंटू पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम उपप्रमेय भी लिख सकते हैं। एन वस्तुओं में से एम वस्तुएं एक प्रकार की है तथा एन माइनस एम वस्तुएं दूसरे प्रकार की है। के क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल एन एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल एम माइनस एन फैक्टोरियल होगी। इसमें प्रश्न दिया गया है कि सभी अक्षरों को साथ लेने पर कितने क्रमचय बनेंगे। इसमें पहला है रायपुर आर ए आई पी यू आर। तो रायपुर आर ए आई पी यू आर में कुल 6 अक्षर हैं और आर की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम अंश में कुल अक्षरों का फैक्टोरियल लिखते हैं और हर में जितनी बार जो संख्या आई है उसका फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं, या हर में जिस संख्या की पुनरावृत्ति जितनी बार हुई है उसका फैक्टोरियल हम नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार अभीष्ट क्रमचय बराबर फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 720 बटे 2 बराबर 360। दूसरा है कोलकाता के ओ एल के ए टी ए। इसमें कुल 7 अक्षर हैं जिसमें के की पुनरावृत्ति 2 बार तथा ए की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तो अभीष्ट क्रमचय निकालेंगे तो अंश में हम कुल संख्या का फैक्टोरियल लिखेंगे अर्थात 7 का फैक्टोरियल। अब चूंकि के 2 बार आया है तो हर में 2 फैक्टोरियल होगा और फिर ए भी 2 बार आया है तो यहां पर भी 2 फैक्टोरियल होगा। सरल करने पर आपको मिलेगा 1260। अगला प्रश्न स्वीट्स एस डब्ल्यू डबल ई टी एस शब्द के अक्षरों से बने कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एस डब्ल्यू डबल ई टी एस इसमें कुल 6 अक्षर हैं लेकिन ई और एस की पुनरावृत्ति 2-2 बार हुई है। प्रारंभ और अंत में एस के स्थान को निश्चित कर लेने के पश्चात शेष 4 अक्षरों को लिखने के प्रकार जब ई की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है यह होगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 12। प्रश्न का अगला प्रश्न है कि कितने में दोनों ई मध्य में होंगे। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि दोनों संख्याएं या दोनों अक्षर एक साथ हो तो हम उसको एक मान लेते हैं। तो यदि दोनों ई मध्य में रहें तो 4 अक्षर व
दो की पुनरावृत्ति दो बार हुई है। तो इस प्रकार अभीष्ट क्रम चय बराबर फैक्टोरियल चार बटे फैक्टोरियल दो गुना फैक्टोरियल दो बटे फैक्टोरियल दो बराबर 12, या फिर आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल चार बटे फैक्टोरियल दो बराबर 12। अगला प्रश्न है कैच CATCH शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बनेंगे जबकि दोनों सी एक साथ रहे। तो इस प्रश्न को हल करने के पहले हमें पहले कुल क्रमचय ज्ञात करना होगा, फिर हम आगे कंडीशन पर जाएंगे। तो कैच CATCH में कुल 5 अक्षर हैं, परंतु सी की जो पुनरावृत्ति है यह दो बार हुई है। इस प्रकार अभिष्ट क्रमचय हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिलेगा 20 गुना 3 बराबर 60। अब हम उस कंडीशन पर जाते हैं कि जब दोनों सी एक साथ रहें तो उसे एक अक्षर माना जा सकता है। इस प्रकार चार अक्षर से बने क्रमचयों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 4। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 24। प्रश्न का दूसरा भाग है कि जब दोनों सी एक साथ ना हो, तो जब दोनों सी एक साथ ना हो तो जो क्रमचय प्राप्त होगा उसे हम लिख सकते हैं कि कुल क्रमचय ऋण क्रमचय जब दोनों सी एक साथ हो, या दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 60 ऋण 24 बराबर 36। अगला प्रश्न है पर्पस PURPOSE शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहे। तो पूर्व प्रश्न की भांति हमें पहले कुल क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी होगी। पर्पस PURPOSE शब्द में कुल 7 अक्षर हैं, जिसमें पी दो बार है। तो इस प्रकार कुल क्रमचय की संख्या बराबर फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 2520। अब वह कंडीशन लेते हैं कि जब स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहे, तब स्वर अपने स्थानों पर फैक्टोरियल 3 तरीके से आपस में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार अभिष्ट क्रमचय हम लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 बटे 3 गुना 2 गुना 1। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 420। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि स्वरों व व्यंजनों के सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित रहे, अर्थात स्वर स्वर के स्थान पर और व्यंजन व्यंजन के स्थान पर आपस में क्रम को बदल सकते हैं। PURPOSE इसमें 3 स्वर हैं ओ यू और ई, और 4 व्यंजन हैं PRPS। अब यहां पर पी दो बार आया हुआ है। तो यदि स्वरों व व्यंजनों का सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित रखने पर स्वर अपने स्थान पर व व्यंजन अपने स्थान पर जगह बदल सकते हैं, तो अभिष्ट क्रमचय जो हमें प्राप्त होगा ये होगा फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2। चूंकि पी दो बार आया है इस वजह से फैक्टोरियल 2 जो है वह उसे हम भाग दे रहे हैं। सरल करने पर आपको मिलेगा 4 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 72। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहां पर दिया गया है एग्जामिनेशन EXAMINATION शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, ये पहला प्रश्न। इसमें दूसरा भाग है कि इनमें से कितने शब्दों में स्वर विषम स्थानों पर रहेंगे। तो एग्जामिनेशन इस शब्द में कुल 11 अक्षर हैं, जिसमें ए की पुनरावृत्ति दो बार, आई की पुनरावृत्ति फिर से दो बार और एन की भी पुनरावृत्ति दो बार हुई है। तो कुल क्रमचय होगा 11 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। अब इस 11 अक्षरों में स्वर है ई जो कि एक बार आया हुआ है, ए दो बार आया हुआ है, आई दो बार आया हुआ है, ओ एक बार आया हुआ है, तो कुल 6 स्वर हैं। इसमें 5 व्यंजन हैं टी एक्स एम और एन, एन यहां पर दो बार आया हुआ है। तो 6 विषम स्थानों पर 6 स्वरों को रखने के प्रकार या फिर क्रमचय, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा
36 गुना 5 बराबर 180, और शेष पांच स्थानों पर पांच व्यंजनों को रखने के प्रकार, ये फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। तो यदि हम अभीष्ट क्रमचय निकालें जब स्वर विषम स्थानों पर रहे तो उसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 180 गुना 60 बराबर 10,800। अगला प्रश्न है 111233 से 100,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो दिए गए 6 अंकों में 1 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है और 3 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तो इन संख्याओं से जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो 100,000 से बड़ी ही बनेंगी। तो उसकी जो संख्या होगी वो होगी फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिलेगा 6 गुना 5 गुना 2 बराबर 60। अगला प्रश्न है मिसिसिपी MISSISSIPPI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो पहले हम कुल क्रमचयों की संख्या ज्ञात करेंगे और फिर क्रमचयों की संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, और फिर तब हम निकाल सकेंगे कि कितने शब्दों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो मिसिसिपी में 11 अक्षर हैं जिसमें आई 4 बार, एस 4 बार, पी 2 बार तथा एम 1 बार आया हुआ है। तो अभीष्ट क्रमचयों की संख्या हम लिखेंगे 11 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 1 फैक्टोरियल। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 34,650। यदि हम चारों आई को एक साथ लें तो इसे हमें एक अक्षर मानना होगा, तो इस प्रकार कुल 8 अक्षर होंगे। तो क्रमचयों की संख्या जब चारों आई एक साथ हो यह होगी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 840। तो अभीष्ट क्रमचय अर्थात क्रमचयों की संख्या जब चारों आई एक साथ हो बराबर हम लिखेंगे कुल क्रमचय ऋण चारों आई एक साथ हो तब क्रमचयों की संख्या, बराबर हमें मिलेगा 34,650 ऋण 840। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 33,810, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है डॉटर DAUGHTER शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि, इसमें पहला प्रश्न है सब स्वर एक साथ रहे और दूसरा प्रश्न है जब सब स्वर एक साथ ना रहे। तो ऐसी स्थिति में हम पहले यह अलग कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि जो डॉटर शब्द है इसमें जो अक्षर हैं इसमें कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, और फिर उस स्थिति में जाएंगे जब स्वर एक साथ रहे। तो DAUGHTER शब्द में 8 भिन्न भिन्न अक्षर हैं, इसमें किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो देखिए इसमें जो ए यू और ई यह स्वर हैं, तो ए यू ई ये तीनों स्वर हैं और इनकी संख्या है 3, और इसी प्रकार डी जी एच टी और आर कुल मिलाकर के ये 5 अक्षर हुए जो कि व्यंजन है। अब पहली स्थिति में दिया गया है कि सब स्वर एक साथ रहे, तो जब स्वर एक साथ रहे तो ऐसी स्थिति में हम ए यू और ई इन सब को एक साथ रख लेते हैं और इसको हम एक मान लेंगे। इसके बाद डी जी एच टी और आर 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक कुल मिलाकर के 6 अक्षर हो गए। तो जब सब स्वर एक साथ रहें तब हम लिखेंगे कि
स्वरों को एक मानने पर छह अक्षर हुए। अब जो स्वर हैं, स्वर को पुनः 3 factorial तरीके से लिखा जा सकता है। तो प्रश्न में ये कहा गया था कि तीनों स्वर एक साथ रहे, तो ये तीनों आपस में अपने स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अभीष्ट क्रमचयों की संख्या निकालने के लिए तीन का फैक्टोरियल और छह अक्षर हैं, तो इसको हम 6 factorial तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको जब आप सरल करेंगे तो फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब इसको आप सरल करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 4320। तो ये पहले भाग का जो प्रश्न है यह उसका उत्तर है। इसमें दूसरी स्थिति यह दी गई है कि सभी स्वर एक साथ ना रहें, सभी स्वर एक साथ ना रहे। तो ऐसी स्थिति में जो विन्यासों की संख्या होगी इसे हम लिख सकते हैं कि विन्यासों की कुल संख्या इसमें हम ऐसे विन्यास जब स्वर एक साथ रहे इस प्रकार ये जो ऐसे विन्यासों की संख्या है जब स्वर एक साथ रहे इसके पहले वाले भाग में हम उसका उत्तर निकाल चुके हैं। अब विन्यासों की कुल संख्या का मतलब है यहाँ पर जितने अक्षर हैं उससे कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 8 factorial तरीके से हम विन्यास बना सकते हैं, और ऐसे विन्यास जब स्वर एक साथ हो ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हल किया था और ये 4320 आया हुआ था। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये आपको मिलता है 40320। और इसमें आप 4320 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 36000, और यही वह अभीष्ट संख्या है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न में दिया गया है x³, y² और z^4 के अक्षरों से कितने विन्यास हो सकते हैं जबकि दोनों y एक साथ ना आए। तो हमारा जो व्यंजक दिया गया है ये है x³, y² और z^4। इसको हम यह लिख सकते हैं कि x को हम 3 बार गुणा करेंगे चूँकि x^3 है, y को 2 बार गुणा करेंगे चूँकि y^2 है, और इसी प्रकार z^4 है तो हम z को 4 बार गुणा करेंगे। तो स्पष्ट है यहाँ पर कि कुल 9 अक्षर हैं, 3, 2, 5 और 4 9 अक्षर हैं, जिसमें से x जो है यह 3 बार आया हुआ है और y 2 बार आया हुआ है और z जो है ये 4 बार आया हुआ है। अर्थात x की पुनरावृत्ति 3 बार, y की पुनरावृत्ति 2 बार और z की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है। तो इसमें यदि हमें कुल विन्यासों की संख्या निकालना हो तो हम यह पढ़ चुके हैं कि अंश में कुल अक्षरों की संख्या का फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर ये 9 है तो ये 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। x की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, y की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है और z की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है। तो यहाँ से आप 9 का जो फैक्टोरियल इसको लिख सकते हो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से ये 4 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 × 2 × 1, और 2 का जो फैक्टोरियल इसको लिख सकते हो 2 × 1, और फिर ये 4 का फैक्टोरियल।
ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तीन और दो को गुणा करेंगे तो ये चार कैंसिल, तीन और दो को गुणा करेंगे तो आएगा छः, और अंश में ये जो छः है ये कैंसिल हो जाएगा, और दो और ये आठ को जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा चार। तो नौ गुना चार गुना सात गुना पाँच, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1260। अब आगे जो प्रश्न कहा गया था कि ऐसे विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए जब दोनों वाई एक साथ ना आए। तो उसके लिए हमें पहले वह स्थिति ज्ञात करनी होगी जब दोनों वाई एक साथ आए। तो इसे हम लिखेंगे कि जब दोनों वाई एक साथ आए, एक साथ जब दोनों वाई एक साथ आए तो इन्हें एक अक्षर माना जा सकता है। इस स्थिति में विन्यास यदि हमें निकालने के कहा जाए तो ये जो दो अक्षर है इसको हमको एक मानना होगा, तीन और चार सात और एक आठ, तो कुल मिलाकर के आठ अक्षर हुए। तो ये आठ का फैक्टोरियल, इसके बाद में वाई जो है यह तीन बार आया है इसलिए इसका तीन का फैक्टोरियल, और जेड चार बार आया इसलिए इसका चार का फैक्टोरियल। इसको जब आप आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा आठ गुना सात गुना छः गुना पाँच और ये चार का फैक्टोरियल। इसी तरीके से तीन का फैक्टोरियल क्या आप लिख सकते हैं, तीन गुना दो गुना एक और ये चार का फैक्टोरियल। अंश और हर दोनों में चार का फैक्टोरियल है, और तीन और दो को गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा छः। तो आठ गुना सात गुना पाँच, तो आठ सत्ते छप्पन, और छप्पन और पाँच को गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 280। तो ये 280 वह संख्या है जब दोनों वाई एक साथ रहे। अब आगे हम निकालेंगे कि जब दोनों वाई एक साथ ना रहे तो हम कुल विन्यासों की संख्या में इस संख्या को घटा देंगे। अतः उन विन्यासों की संख्या जब दोनों वाई एक साथ ना रहे, तो ऐसी स्थिति में जो 1260 है इसमें जो 280 प्राप्त हुआ था उसे घटा देंगे और सरल करने पर आपको मिल जाएगा 980, और यही अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।